घर चलिल आयोजन छुटी घर अहार कथा पुत्र मातृ फोन कैसी मा अह सप्ताह मैं कितु घर नपाले केप्टेन शुभम गुप्ता सन्वादी आक्रमण निथर हो शुभम आम भारत सेनार जम्मू काश्मीर कर्मरत केप्टेन शुभम गुप्तार कथा कैसो दीपावल पुत्र शुभमे भिडिओ कलजुगे कनिष्ठ भातृ ऋषभ माक और देवतर सहित कथा पाती शुभमे अह सप्ताह घर कथा दी परियालर लोके शुभमलै अपेक्षा करि आसिल कियनो घरत शुभमर बियार प्रस्तुति चलिसिल किन्तु बुधबारे सन्ध्या शुभमर घरलै आहे हे अप्रत्याशित खबरटो जे शुभम आरु नाय तार पाछते उत्तर प्रदेशर आग्रार घरखनत हुके बिराजमान करे शुभम गुप्ता न पेरा स्पेशियल फोर्सर अधिनायक आसिल भारतीय सेनात भर्ती हुई 2015 सनत जम्मू रजौरी निरापत्ता बाहिनी और सन्त्रासबादीर मजत हुआ संघर्ष चारिजन सेना जवान शहीद है और यार भितरत आग्रार पुत्र केप्टेन शुभम गुप्ताओ आसिल शुभमर मृत्युर शोकत एतिया आग्रार घरखनत शोकाकुल परिवेशे विराज करिछे शुनक कि कय पितृ और भातृये परसों बात हुई थी सुबह बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ दो एक दिन में छुट्टी आने वाला था पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ एक काम रह गया उसे करके आता हूँ आई फील प्राउड बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है घायल है हॉस्पिटल में सीरियस है भर्ती है कल 4:15 बजे सूचना मिली थी वो जो करना चाहता था उसने किया सर्वोच्च बलिदान देकर गर्व है मुझे कर्नल साहब का उनकी यूनिट से फोन आया था कि हम उनको बचा नहीं पाए और आप लोग जम्मू की तरफ ना आए क्योंकि मैं तब तक जम्मू के लिए निकल चुका था उन्होंने कहा कि अब वापस आगरा चले जाए शादी की प्रक्रिया हाँ मतलब चालू थी 28 वर्ष के हो चुके थे तो अगले हफ्ते जब आने वाले थे तो कुछ प्रक्रिया थी जो हम सोच रहे थे करेंगे पर नहीं हो पाई सबसे विशेष यही थी कि पूरे परिवार की बहुत बड़ा परिवार हमारा तो परिवार की शान बान थे और सब मिलके जब वो आते थे 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए तो सबके लिए एक दिवाली होती थी चाहे दिवाली ना हो तो बस वही था एक बहुत खुशी का माहौल रहता था न्यूज़ डेस्क ऑफ़ होम लाइफ 24